होप कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और लग गई हूँ किचन में, आई हूँ मायके से और घूम के क्या काम था इसलिए, और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि टमाटर मैंने कट किया है, इसमें है धनिया, जो कि धनिया थोड़ी सूखी से हो गई थी। और मैं बनाने वाली हूँ क्या खाने में, प्याज है और यहाँ पे बैंगन है, ये देखिए दो बैंगन मैंने लिया है, और बच्चे बैंगन पसंद नहीं करते हैं तो इसलिए मैंने बैंगन दो लिया है। और यहाँ पे दो बैंगन, एक बैंगन आज ये पहले से पड़ा हुआ था तो एक बैंगन मैंने आज तोड़ के लेके आई हूँ। और कल मैं बनाऊँगी आलू टमाटर बैंगन की सब्ज़ी, बच्चे को पसंद आए ना पसंद आए लेकिन मैं बनाऊँगी यार, क्योंकि बच्चों की पसंद की वजह से मैं अपनी पसंद भूलती जा रही हूँ। और मुझे लेना था कलर लेकिन वो मिल नहीं रहा है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है भैया यहाँ पे टिका लेते हैं मोबाइल को, तो मोबाइल को यहाँ पे मैंने टिकाया और मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ वो बेसन, और उसके बाद हम बनाएंगे पकौड़े। तो बस यहाँ पे हम बेसन निकाल लेते हैं और पकौड़ी के लिए, तो पहले तो बैंगन के लिए घोल बना लेंगे, फिर प्याज की पकौड़ी बनाएंगे। और मैं सोच रही हूँ ये आलू कट कर लेती हूँ तो साथ में श्रेया भी खा लेगी। तो श्रेया बेटा प्याज का खाओगे, किसका खाओगे? किसी का खाओगे ही नहीं, तो मुझे तो बैंगन का पसंद आता है। और बैंगन के साथ साथ मुझे देखिए साथ में मेरे ना काम करते समय मुझे आटा गिर गया था, तो आटा गिरने की वजह से मैंने सोचा इसको उठाऊं तो क्या करूं, और मेरा पैर पड़ गया, तो आटा जो है ख़राब हो चुका है और हमारा यहाँ पे बेसन निकल चुका है। तो चलिए हम इसमें सूसड़ ढाक से पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद उसके बाद हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो हमारा ये जो घोल है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और आटा तो ऐसे पीसते हैं आटा वाले भैया जैसे फ्री में पीस रहे हों, तो बस यहाँ ज़रूरत के हिसाब से मैंने नमक ऐड कर लिया। और उसके बाद हमने यहाँ पे दोनों साइड में मतलब दूध रख दिया है पकने के लिए, एक कल को बचा हुआ था, हस्बैंड भी नहीं पी रहे हैं आजकल, कल भी नहीं वो पिए और बेटे जी नहीं पिए, तो बेटे जी को एक बहाना चाहिए कि हाँ मुझे दूध नहीं पीना है, बस हो गया। तो ये मेरा काम हो गया है, ले आते हैं कप। तो बस यहाँ पे हम पानी डाल के इसको हम बढ़ा लेंगे, और उसके बाद हमने कढ़ाई नहीं रखी है तो कढ़ाई भी रख दूंगी। और मैंने गलती कर दी है, पहले कढ़ाई मुझे रख देना चाहिए था, ऑयल उसमें डाल देना चाहिए था, तब इसको करना चाहिए था, क्योंकि हाथ में लग जाता है ना, फिर उसके बाद ऑयल छुओ तो फिर वहाँ भी मतलब उस कंटेनर में भी लग जाता, तो फिर आज गलती तो हो गई है, गलती हो गई है तब उसको सुधारना तो हम ही को पड़ेगा। तो फिर हाँ मैंने हम यहाँ पे घोल तैयार कर लिए, तो इसको हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा देंगे। सबसे पहले ना को गैस ऑन करने के पहले, तब सबसे पहले तो गैस जो है बहुत ज़्यादा बम की तरह फटता है, तो फिर उसके बाद ही सही चलेगा ये। तो कभी कभी मुझे बहुत ही गुस्सा लगती है, तो मैं सोच रही हूँ जब तक ये तैयार होगा तब तक हमें चटनी तैयार कर लेते हैं, तो चटनी के लिए हमें मिर्च लेना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग चलिए मैं मतलब फ्रिज की सैर कर लेते हैं। तो हम आ गए हैं यहाँ फ्रिज हमारी यहाँ पे है किचन के बाहर, और हम ले लेते हैं फ्रिज से मिर्च। तो ये देखिए हम यहाँ लेंगे दो से तीन चार मिर्च,
क्योंकि हालांकि मुझे तीखी नहीं बस बनाना था, बट मैं तीखी बनाऊंगी। और यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ, ये आया है प्रसाद, मतलब हनुमान जी का, जो मंगलवार है और भगवान जी को चढ़ाया गया है प्रसाद। तो देखिए ये प्रसाद जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बना है देसी घी के, और बार बार ये आटा में मेरा पैर पड़ रहा है, ये देसी घी से बना है। और जब बेचने के लिए देसी घी के पैसे लेते हैं, लेकिन 1% का देसी घी उसमें नहीं है, बेचते हैं देसी घी के नाम से, लेकिन उसमें 1% भी देसी घी नहीं है। और पता नहीं कैसे अजीब से टेस्ट आता है, जैसे लगता है बरसों से बना के उसको रखे हूँ। और पता नहीं मेरे हस्बैंड उसको क्यों बाहर का नहीं लेते हैं। बस एक दुकान पकड़ लेंगे तो फाइनली, एक दुकान अगर पकड़ गई तो फिर पकड़ गई, फिर कहाँ करने के छूटे, चाहे वो अच्छा दे चाहे ना। अब आटा ये देखिए इतना गंदा सा पीसा है कि जैसे फ्री में पीस के दिया है। तो बैंगन मेरा हो गया है 2-3 दिन का, और थोड़ा सा सुकड़नपन आ गया है, ये देखिए। तो कट होने में अच्छा से कट नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगी 2 भाग। और तो मैं कुछ ऐसे पतला पतला कट कर लगा दे रही हूँ। तो मैंने अपने बैंगन को कैसे कट किया है आपको दिखा देती हूँ। ये रहा बैंगन जो कि कट हो चुका है सब्जी की तरह पीसेज में। और मैं आप देखिए, मुझे फिर से फ्रिज के पास आना पड़ा, और मैं निकाल लेती हूँ फ्रिज से आलू, जो कि ये देखिए फ्रिज खुल गया है। अब इसमें से हम आलू 1-2 बड़ी साइज के ले लेते हैं, बड़ी साइज की रहेगी तो ज़्यादा ठीक रहेगी। तो मैंने यहाँ पे 2 लिया है आलू, और अब सूर से टक से मुझे फिर से किचन में भागना होगा, क्योंकि कढ़ाई जो है हो चुकी है गरम, और पैटर्न जो है ना थोड़ा सा अभी सेट नहीं हुआ है। तो सेट करने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, और पानी ऐड करने के बाद और बार बार हमें जहाँ पे हम खड़े हैं बिल्कुल वहीं पे पानी आटा गिर गया है, तो आटा भी हमको बचाना पड़ रहा है। तो हम सोच रहे हैं आलू ले तो आए हैं लेकिन बनाएंगे नहीं, और ऑयल जो है बहुत ज़्यादा हीट हो गया है। तो सबसे पहले हम बैंगन की बना लेते हैं पकौड़ी। तो यहाँ पे मैंने डाला कढ़ाई में, और बैंगन की पकौड़ी तैयार सूसटा से, और इसके बाद हम बनाएंगे चटनी। अगर भगवान ने 2 हाथ दिया है तब जल्दी जल्दी हो रहा है, अगर भगवान 4 हाथ दिए होते तो फिर और काम जल्दी जल्दी से हो जाता ना। तो मैंने यहाँ पे 2 राउंड में मुझे ये बैंगन की पकौड़ी जो है बना लेनी है। तो हाथ को मैं कर लेती हूँ फ्री, और आपको दिखा देती हूँ बैंगन की पकौड़ी। गैस का फ्लेम मैंने बहुत लो करके रखा है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए पकौड़ी जो है तेल में तली जा रही है, और बस हम इसको अच्छे से बहुत हाई फ्लेम में नहीं पकाएंगे, मीडियम में पकाएंगे। और इसके लिए मैं ले लेती हूँ 1 थाली। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, मैं कुछ थाली ना उठा के रख दी क्योंकि बहुत थाली हो गई थी यार, बहुत ही ज़्यादा थाली थाली पूरे घर में फैल गई थी। बर्तन मुझे यार मुझे आ रही है छींक जोरों वाली, मैं अपनी माँ से कह रही थी कि नाक को काट के फेंक दो, बस सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए ना। ना कहते ना जैसे कि रहता ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी,
तो ना रहेगा नाक और ना आएगी छींक। तो मैं अपने छींक से हो गई हूँ परेशान। और यहाँ पे आप देख लीजिए पकौड़ी जो है बन चुकी है। तो मैं आपको सिर्फ पकौड़ी खिला सकती हूँ, चटनी नहीं खिला सकती। जानते हैं क्यों चटनी नहीं क्यों खिला पा रही हूँ आपको? चटनी इसलिए नहीं खिला पाऊँगी क्योंकि अभी चटनी मेरी तैयार नहीं हुई। और आप मेरा किचन देख लीजिए किस तरह से फैला हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बर्तन ही बर्तन फैले हैं। मैं कितना भी इसको समेटती हूँ लगता ही नहीं है कि यार समेटा भी। जब अभी सब कर लेंगे समेट लेंगे तो फिर लगेगा। और देखिए मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ, इसमें पानी रखी थी जो कि अभी मैं फेंकने वाली हूँ। मैं सुबह में इसमें बॉयल की थी पालक तो उसका पानी रखी थी। और ये कटोरी रखी तेल की ढकी हुई है और ये जाएगा डस्टबिन में क्योंकि ये टूट चुका है और सिया इसका पिंड नहीं छोड़ने वाली है। और यहाँ पे देखिए अचार रखा है, एक फंसा हुआ चम्मच। तो अचार और चम्मच मैं दोनों यहाँ पे हटाऊंगी। तो देखिए आप कितना बर्तन, और यहाँ पे पानी गर्म करके रखी है देवी जी जो कि पानी नहीं पी है। तो ये दही है और इसमें हमने पानी रखा है तांबे के बर्तन में। और अब हम फिर से आ गए हैं पकौड़ी की तरफ। तो देख लेते हैं पकौड़ी कितनी गर्म हुई है, पकी है कि नहीं पकी है। तो ये देखिए पकौड़ी बन चुकी है। तो पकौड़ी आप भी खा लीजिए और अभी हम वीडियो यहीं पे एंड करके मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा वीडियो को। बाय।